जय श्री राम भक्तों, दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है ब्राह्मण और बुद्धिमान पुत्र तथा नाग। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण किसी देश में रहता था जिसका नाम सोमराम था। उसके पास यदि कुछ था तो एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक गुस्सैल स्वभाव की पत्नी। यह पत्नी उसे बहुत परेशान करती थी। वह तंग आ चुका था, इस कारण उसे अपने घर से कुछ ज्यादा लगाव भी ना था। भगवान ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं उसके सामने क्या असंतोष दिखाऊं? मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। वह अपने आप से यह कहता रहता था, परंतु उसकी पत्नी के तेवर बिगड़ते रहे और अपमान करना भी बढ़ता गया। कभी कभी यदि वह कुछ कमा कर लाता तो वह झिड़कियां देती और हाथ भी उठाती। जब यह सब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने घर छोड़कर जाने का निश्चय किया। इसलिए अगली सुबह उसने पत्नी से कहा, मैंने सुना है कि दूसरे देश के राजा गरीब लोगों को बहुत सा धन देता है। मैं भी जा रहा हूं, मैं भी अपना भाग्य आजमाऊंगा। ठीक है, चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पत्नी ने कहा। ब्राह्मण ने यात्रा के लिए कुछ चीजें इकट्ठी की और निकल पड़ा। वह लगातार चलता रहा और कहीं पर भी नहीं रुका, जब तक कि वह जंगल के पास ना पहुंचा। वहां उसे एक मीठे और शुद्ध पानी का सरोवर दिखा। वह वहीं पर रुक गया, अपना सामान नीचे रखा ताकि कुछ खाकर आराम कर ले। जब वह सो रहा था तब सरोवर से एक छोटा सा सांप बाहर आया और उस झोले में घुस गया जिसमें ब्राह्मण ने खाने पीने का सामान रखा था। कुछ आवाज सी हुई और ब्राह्मण जाग गया। वह झोली खोलकर देखने लगा। जब उसने सांप देखा तो एकदम से झोली का मुंह बंद कर दिया और झोली को जोर से बांध दिया। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना वह वापस अपनी पत्नी के पास जाए और उसे यह झोली भेंट करे। सोचा कि वह यह बंद झोला जरूर खोलेगी और इसके खोलते ही सांप उसे डस लेगा और वह मर जाएगी, तब मुझे उस झगड़ालू पत्नी से छुटकारा मिलेगा। यह सोचते ही सोमराम घर की तरफ लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐ मेरी प्रिय, मैं तुमसे दूर रह नहीं सकता। देखो मैं लौट आया हूं और यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, खुद ही खोल के देख लो। पत्नी ने झोली पकड़ ली और उसके ऊपर लगी गांठ खोलने लगी। अरे नहीं नहीं, यहां नहीं, ऊपर कमरे में जाकर देख लो, सोमराम ने कहा। हाँ हाँ, वह भी है, चलो चलो। जब वे दूसरे कमरे में पहुंच गए तो सोमराम ने कोई बहाना बनाया और कमरे से बाहर आ गया। तो देख मैं अभी आया, ब्राह्मण ने बाहर से दरवाजा बंद किया और यह सोचकर खुश होता रहा कि उसे इस जल्लाद सी पत्नी से अब छुटकारा मिलेगा। कमरे के अंदर उसकी पत्नी ने जैसे ही झोली की गांठ खोली वैसे ही एक सांप बाहर आ गया। उसने झोली एक तरफ फेंक दी और चिल्लाने लगी, सांप सांप। वह कमरे से बाहर आने लगी मगर दरवाजा बंद था। अरे दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ खोलता हूँ, मगर सोमराम ने दरवाजा नहीं खोला। तभी कमरे में एक प्रकाश सा उभरा। उस प्रकाश पुंज के पीछे से एक आकृति सी दिखाई देने लगी। वहां अब सांप नहीं, एक सुंदर बालक था। उसे देखते ही ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। उसने अपने पति को बुलाया मगर वह अंदर नहीं आया। वह यही सोचता रहा कि अंदर एक सांप है जो उसे भी डस लेगा। देखिए तो कितना सुंदर बालक है,
इस बार तो आप सच में ही कितनी अच्छी भेंट लेकर आए हैं। अब मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होऊंगी। अंदर तो आइए। पत्नी की बातें सुनकर सोमराम ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कमरे के अंदर आ गया। इतने सुंदर बालक को देखकर उसके सारे दुख जैसे छूमंतर हो गए। उसने अपने बेटे और पत्नी को चूमा। दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए और अब सुखपूर्वक रहने लगे। ब्राह्मण का इस बालक के आते ही जैसे भाग्य खुल गया। वह एक धनी व्यक्ति बन गया। उसका हर तरफ सम्मान होने लगा। उसका बेटा जितना बड़ा होता जाता उतना ही सुंदर होता जाता। सोमराम और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम नागराज रखा। 4 वर्ष का बालक इतना बुद्धिमान था कि बड़ों बड़ों को बहस में हरा देता था। हालांकि उसको दूसरे बालकों की तरह पाठशाला नहीं भेजा गया, मगर वह फिर भी उन बच्चों से ज्यादा जानकार था। सभी भाषाएं जानता था, ज्ञान की बातें कहता था। यह इसलिए क्योंकि वह स्वर्गिक बालक था। उसमें असीम शक्तियां और गुण थे। जब नागराज युवा हुआ तो उसने एक दिन अपने पिता सोमराम से पूछा, पिताजी क्या यहां आसपास कोई पवित्र जलाशय है? क्यों, किस लिए? मैं एक पवित्र जलाशय में स्नान करना चाहता हूं। क्यों? पिताजी मेरी कई दिनों से क्या बहुत समय से एक सरोवर में स्नान करने की इच्छा हो रही है, परंतु वह स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। सोमराम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यहां हमारे आसपास तो ऐसा कोई जलाशय नहीं है, मगर राजा के बगीचे में एक पोखर है। उस बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार है। वहां जाना तो असंभव है। आप मुझे दिखा दीजिए कि वह बाग कहाँ है। नहीं, कभी नहीं। अगर राजा के सिपाही हमें देख लेंगे तो महाराज को खबर कर देंगे और वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे वहां ले चलिए, हमें कुछ नहीं होगा। आप तो जानते हैं कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। मैं कोई साधारण युवक नहीं, मगर फिर भी हमें ध्यान रखना होगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। सो तो है। जब सोमराम राजा के बाग की ओर जाने के लिए मान गए तो वे दोनों राजा के महल की तरफ चल पड़े। नागराज ने देखा कि कितनी ऊंची दीवारें हैं तो वह एक छिद्र ढूंढने लगा, मगर दीवार में कोई छेद नहीं था। आखिर उसे एक छोटा सा छिद्र दीवार के नीचे दिखा। वह प्रसन्न हो गया। उसने अपने आप को एक छोटे सांप में परिवर्तित किया और बाग के अंदर घुस गया। अंदर आकर जब उसने एक पवित्र स्वच्छ पानी का पोखर देखा तो उसने अपना रूप बदल लिया। एक सुंदर युवक के रूप में परिवर्तित होकर वह निर्मल जल के जलाशय में नहाने लगा। जब राजकुमारी ने, जो उस समय बाग में बैठी थी, पानी में छप छप की आवाज सुनी तो उसने अपनी दासियों को यह देखने भेजा कि बाग में कोई घुस तो नहीं आया है। परंतु जब तक दासियां वहां पहुंचती, नागराज ने फिर से सांप का रूप धारण करके बाग से बाहर निकलने में सफलता पा ली थी। कुछ दिनों बाद वह फिर से आया और वहां नहाने लगा। जब इस बार भी राजकुमारी ने छप छप की आवाज सुनी तो वह गुस्सा होने लगी। राजकुमारी माला ने अपनी दासियों से कहा, कौन है यह जो मेरे बाग में आकर मेरे ही ताल में नहाने की हिम्मत कर रहा है? देख कर आओ और जो भी हो उसे पकड़ कर ले आओ। दासियां गईं, मगर इस बार भी वे नागराज को देख ना पाईं, क्योंकि वह निकल चुका था। तीसरी बार जब नागराज आया तो माला वहीं ताल के आसपास ही थी। जब उसने एक अति सुंदर युवक को ताल में नहाते देखा तो वह देखती रह गई। ऐसी सुंदरता तो साधारण मनुष्यों में होती नहीं, कौन हो सकता है, वह सोचने लगी। ऐसा और
इतना सुंदर पुरुष उसने कभी नहीं देखा था। जब युवक ने अपने आप को एक सांप में परिवर्तित किया तो माला ने अपने एक दासी को कहा कि वह उसका पीछा करे, देखे कि यह कहाँ जाता है। जब कुछ देर बाद दासी लौटी तो उसने राजकुमारी से कहा कि बाहर निकलते ही उस सर्प ने वापस युवक का रूप धारण किया और ब्राह्मण सोमराम के घर में चला गया। लगता है कि यह उसी ब्राह्मण का बेटा है। राजकुमारी माला अपनी माँ के पास गई और कहने लगी कि दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।